चले, अगर बिल्कुल अपन लेके चले तो आज अपन मेंजुरेशन का थर्ड वीडियो चेक कर रहे हैं अपन। अगर अपन लेके चले तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन स्क्वायर ऑफ साइड 100 स्क्वायर ऑफ साइड हंड्रेड वेयर ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी सी डी इज स्क्वायर। E and F are midpoints. देखो समझो फिर आगे बात करते। सर अब इसको सोचें तो देखो यार, अगर ये मिड पॉइंट ये पूरा 100 है तो ये कितना है 50, और ये पूरा कितना है 50। सर अगर दिमाग लगाएं तो एक और ट्रिक होती है कि अगर यहाँ पे 90 है तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो पाइथागोरस से ही हो जाएगा 50√2। मतलब ये ट्रिक होती है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, तो अगर आपका बेस अगर 50 है तो अगर आपको एफ ई का स्क्वायर निकालना होता तो बोलते हैं एक का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एफ ई हमेशा 50√2 आ जाएगा अगर आपके दोनों साइड क्या है ई। सर एफ ई तो मिल गया मैंने बोला, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। If this is 100, this is 50, can we find out AE? Sir, AE ka square would be equal to 100 ka square plus 50 ka square, that is something 10,000 plus 2,500. So, agar apan baat karein, AE ka square is equal to 12,500. AE ka square is equal to 12,500. Ab agar apan aur aage baat karein, तो ए ई कितना हो जाएगा, ए ई दोस्तों हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 12,500। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो इट इज समथिंग 50√5 आएगा। अगर आप चेक करोगे तो 50√5 आएगा, आप चाहो तो उसको निकाल सकते हैं, इट वुड बी 50√5। तो सर आपके पास ये भी आ गया 50√5। सर अब क्या करना है, देखो यार बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप जैसा अलाउ। अब यहाँ पे बोल के रखा 90, तो कैन आई फाइंड आउट इसको ए पी का नाम देता हूं, कैन वी से ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस पी ई का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस पी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना ए ई स्क्वायर। सर देखो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि देखो ये भी यहां से 100 है और ये यहाँ से 50 है, तो बट ऑब्वियसली बात है ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा इक्वल, ये कॉमन साइड है और ये 90 डिग्री है, मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं सिस्टमेटिकली कि मुझे एपी का स्क्वायर तो नहीं पता, एपी का स्क्वायर तो नहीं पता, बट आप बता सकते हैं कि पीई का स्क्वायर क्या होगा। सर पूरी जो एफ ई है वो कितनी 50√2, तो पीई क्या होगी, पीई तो इसकी आधी है ना, तो वो क्या हो जाएगी 25√2। तो आप पीई की जगह पर लिखोगे 25√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 50√5 का होल स्क्वायर, और 50√5 का स्क्वायर तो आपको पता ही जो भी आया था वो कितना आपके पास 12,500, कितना आपके पास 12,500। तो सर ये भी ठीक है मैंने बोला हाँ, तो कहीं ना कहीं एपी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 625 × 2, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है और रूट टू का स्क्वायर कितना होता है 2, तो सर ये हो जाएगा 2500 × कितना रूट 5 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू कितना 5। सर ये बात भी सही है मैंने बोला हाँ सही तो है,
तो एपी का स्क्वायर प्लस 1250 इज इक्वल टू कितना, अगर हम बात करें 12500 इज इक्वल टू कितना, 12500 ये आता ना। तो सर एपी का स्क्वायर कितना हो जाए, इन दोनों को माइनस कर लो, तो जितना मुझे लग रहा है 11250। गॉट इट। अब अगर आप 11250 का रूट निकालोगे तो आपको निकालना पड़ेगा 11250 का रूट क्या है, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, एपी क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 11250। चेक करके देखो कि कितना आ रहा है, कुछ ना कुछ फाइव के साथ वाला ही आ रहा होगा अगर अपन देखे तो। तो सर अगर इसको भी अपन सिस्टमेटिक ले लें तो मेरे ख्याल से 11250 को करोगे तो पहले टू से करोगे तो ये हो जाएगा 5, देन शायद 6, 5, 6 कितना, 5625। देन अगर मेरी इच्छा है कि मैं इसको पहले 5 से ही कर लूँ क्या, तो हो जाएगा 1125। फिर सर 5 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, 225 शायद ऐसे कुछ। और सर शायद ठीक है, अगेन अपन एक बार 5 से करें तो 5 से कितना हो जाएगा, ये 4, 5 पर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, शायद 9, और फिर ये 3 और, तो एक 5 की जोड़ी बन गई, फिर एक और 5 की जोड़ी बन गई, फिर एक फिर की, तो 5 5 25 3 75 √2। तो सर एपी आपके पास कितना आ गया, एपी इज समथिंग 75 √2। सर क्या बात है, मतलब पाइथागोरस और लीनियर के साथ गेम को ले रहे हैं, दिखने में देखो क्वेश्चन को ऐसा टफ नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो अगर मैं आपको बोलूं अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए आपको, अगर अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए तो मेरे ख्याल से इतना टफ इसलिए नहीं है। आपको निकालना क्या है, ये आपके पास बेस आ गया और ये आपके पास क्या है, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू वॉट, हाइट। उसे आपका बेस माना जाएगा जो इतना हिस्सा है वो 25√2 है, ठीक है, और आपकी हाइट क्या मानी जाएगी, 75√2। हाइट टिक कितनी मानी जाएगी, 75√2, शायद ये 2 और ये आपस में रूट टू कैंसिल हो गए, 25 × 75 जो भी आ रहा है वो आपका आंसर है। एक बार चेक कर लो, समझ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलें अगर अपन बात करें तो सर अपने पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन F, it is a sector of side 20.
चले अगर अपन इसको देखें और पहली नजर दिखें, आपको तो करने का मौका दिया सर, ये 20 है ये 20 है, और अगर अपन पाइथागोरस से देखें तो आपके पास ये जो पर्टिकुलर चीज हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 20√2। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर सबसे पहले तो ये सेक्टर दिख रहा है, तो मैं तो सबसे पहले आपको निकालूंगा, जो मेरे पास शेडेड रीजन निकालने की इच्छा है वो याला रीजन निकालने की इच्छा है। तो ये जो शेडेड रीजन है जो मैंने रेड पेन से करा है, जो रेड पेन वाला शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा, क्योंकि तो मुझसे पूछो तो मैं उसको बोलूंगा सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सर अब सेक्टर के लिए आपको रेडियस चाहिए, सेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं रेडियस तो आपको गिवन ही 20, क्योंकि ये रेडियस ही है ना, तो अगर अपन लेके चले तो वो हो जाएगा 90 अपॉन में 360 इंटू पाई, मतलब इट इज समथिंग 3.14 ले लो या 22/7 ले लो, पाई लेके भी कर सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर, इंटू व्हाट आर स्क्वायर, मतलब 20 × 20। सर ट्राइंगल का एरिया कितना चाहिए, 1/2 हाफ 20 × कितना, राइट, तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 20 कितना है 20, और हाइट भी कितनी है 20, 20 इंटू कितना, तो ये 1 जा ये 4 जा। तो सर कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें सिस्टमेटिकली, तो क्या सर आपका ये जो 20 × 20 आप कर रहे हो, अगर इसको अपन सिस्टमेटिक लेवल पे ले, 20 × 20, तो चाहो तो 400 को पूरा ही कॉमन ले लो, और यहां से 1/4 और 1/2 में से क्या कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बच क्या जाएगा, 3.14 अपॉन में 2 माइनस कितना 1, सीधी बात है ना, आपने ये तो पूरा ही कॉमन ले लिया ना 400, और यहां से भी हाफ कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा कितना 200, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 1.57 माइनस हो, तो 200 × कितना 0.57, और अगर आप 200 × 5.57 कर रहे हो तो करके देख लो कितना आ रहा है, तो 200 × 0.57 कितना आ गया आपके पास, अप्रोक्स अप्रोक्स जितना मेरे को लग रहा है 114। सर ये जो 114 आया ना, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपका जो फाइनल आंसर है वो तो इस सेमी सर्कल में से, इस पूरे सेमी सर्कल में से जब ये रीजन माइनस हो जाएगा, रेड रीजन जो अपने निकाला है, रेड रीजन वो आएगा। तो सर अगर अपन बात करें तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा दोस्तों, अगर अपन तो सर हाफ पाए आर स्क्वायर माइनस कौन सा रीजन, रेड रीजन, आपको बता दूं कि ये अपन याला रीजन को रेड बोल, ठीक है ना, इसका ऑलरेडी एरिया अपन निकाल चुके हैं कितना 114, तो हाफ इंटू 3.14 इंटू आर कितना लेना पड़ेगा 10√2, क्योंकि इस बार इससे आर आएगा ना, ये सेमी सर्कल है तो आर इससे आएगा, तो आर कितना हो जाएगा आपके पास 10√2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 114, माइनस कितना 114। तो सर अगर हम समझें इसको अच्छे से और पैन नजर देखें तो आपके पास हो जाएगा हाफ इंटू 3.14 इंटू 100 × 2, तो इसका कितना हो गया 200 माइनस कितना 114, 1 जा ये 100, शायद 314 माइनस 114, द फाइनल आंसर इज 200। आ गया था, अच्छा क्वेश्चन था, हो गया था पहले, थोड़ा ठीक है। चलो अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस गली जाएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिएगा जरा दोस्तों, फिगर को देख के जरा हम लोग अब आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ दिस साइड इज 40
ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, देन अगेन जो यहां से अंदर अंदर बन रहा है वो सारे क्या है, इट्स अ चेन ऑफ मिड पॉइंट्स, चेन ऑफ मिड पॉइंट्स। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, सोचे समझे और जवाब दें।
अभी देखोगे तो सर देखो, अगर इसको अपन रेक्टेंगुलर पार्ट समझे तो ये वाला पार्ट तो 60 है समझिए, और यहां से ये पूरा पार्ट 30 है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये 60 है और ये 30 है। अब यहां से अगर मैं विड्थ बोलूं 5 मीटर वाइड हो तो 5 मीटर यहां से कटेगा, 5 मीटर यहां से कटेगा, तो जो अंदर की विड्थ आएगी वो 20 है। जो अंदर की विड्थ आएगी वो 20 आएगी। सर अगर अपन इसको लेंथ वाले प्रोपोर्शन में देखें तो मुझे जो अंदर की लेंथ भी आएगी, तो अगर वो 5 मीटर वाइड ऐसा चल रहा है अगर अपन देखें, तो जो ये पूरा 5 मीटर अगर हर जगह से वाइड है तो यहां से ही 5 5 मीटर कट जाएगा, तो जो अंदर की लेंथ आएगी वो 60 में से पूरे 60 ये तो बाहर का है अगर अपन बात करते हैं, फिर अंदर की लेंथ तो 60 ही रहेगी क्योंकि वो रेक्टेंगल तो वही है ना 60, यस और नो? तो ये भी 60 रहेगा और ये भी 60 रहेगा। अभी सर अगर ये पूरा 30 है तो ये आधा कितना रहेगा 15, ये आधा भी कितना रहेगा 15, और वही क्या रहेगा रेडियस। सर थोड़ा और हमको क्लेरिफाइड करके समझा दो, मैं समझना, अगर तू मानता है कि ये पूरा, सॉरी ये पूरा कितना 20 था, सॉरी ये पूरा कितना था 20, तो ये कितना रहेगा 10, ये भी कितना रहेगा 10, तो ये रेडियस भी कितना रहेगा 10, सही है यहाँ तक। अब अगर मैं बात करूं ये पूरा 30 है दोस्त, पूरा कितना है 30, अगर ये मैं बात करूं ये पूरा आपके पास 30 है, तो ये आधा कितना रहेगा 15, ये आधा भी कितना रहेगा 15, और ये आधा भी कितना रहेगा 15। तो सर अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर तो ऐसे भी रोड का निकल जाएगा क्योंकि वो ट्रैक के अंदर वॉक कर रही है, तो आप चाहो तो यहाँ से 60, पर यहाँ से सेमी पेरीमीटर जिसका ये रेडियस आप कितना मानोगे 15, ठीक है ना, तो पेरीमीटर निकल जाएगा ठीक है। कॉस्ट निकालनी है, अगर एरिया ऑफ रोड निकालना है तो मैं बस तो बोलूंगा एरिया ऑफ रोड के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी दोस्तों। सर क्या करना पड़ेगा, बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस करना पड़ेगा और बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल माइनस करना। तो रेक्टेंगल बिग माइनस रेक्टेंगल स्मॉल प्लस सेमी सर्कल बिग माइनस सेमी सर्कल स्मॉल, और सेमी सर्कल है कितने दो, एक इस तरफ एक उस तरफ है। अब बता बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी 60 और ब्रेड कितनी है 30, छोटे वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 60 और ब्रेड कितनी है 20, गॉट इट। नेक्स्ट बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा पाए 15 स्क्वायर, छोटे वाले का कितना होगा पाए 10 स्क्वायर, वो भी इंटू भी कितना फिर 2, तो शायद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 30 माइनस 20 दैट इज 10, और यहां से अगर आप देखोगे तो प्लस पाए 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या चल रहा है 15 का स्क्वायर माइनस कितना 10 का स्क्वायर, तो 600 प्लस 2 × 3.14, 225 माइनस 100 मतलब कितना 125, तो 600 प्लस 250 × 3.14 इंटू व्हाट 3.14 करके देख लो, 3.14 अप्रोक्स कितना आएगा आपके पास अगर अपन बात करें तो, शायद 600 प्लस ये जो भी है आपके पास, ये आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड। तो अप्रोक्स मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये 787 के आसपास कुछ आएगा, एक बार आप देखोगे तो 785 के आसपास, आसपास है 787 के आसपास, क्योंकि दो तरफ के सेमी सर्कल है ना, इधर का भी इधर का। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे हाफ हाफ होना चाहिए था, तो इंटू टू होगा ही नहीं, सॉरी दोस्तों, क्योंकि सेमी सर्कल का तो हाफ पायर स्क्वायर होता है ना, तो वो 2 से 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों हाफ पायर स्क्वायर होता है, तो 3.14 × 125 787 का आधा कर लो तो 787 का आधा करेंगे तो 394 आए सर, 394 393 ठीक है 394, तो सर अप्रोक्स अप्रोक्स 994 या 993 के आसपास एरिया होगा, और
अगर अपन बात करें तो वो कैसा हो जाएगा आपके पास, इसका रेट कितना होगा, इंटू 20 मारो। तो यहाँ पे सर ये घूम रही है तो झूम बराबर झूम, इसको भागना कितना, एक पार्ट हो गया। तो सर झूम बराबर झूम इस फिगर को फोकस करें अपन। तो सर देखो इसको यहां से 60 की रनिंग लेनी है, ठीक है, फिर यहां से भी 60 की रनिंग लेनी है। तो अगर अपन ये बात समझे, और सर यहां से कितना घूमना है, हाफ इंटू 2 पाई आर, हाफ इंटू 2 पाई आर, वॉट इट भाई। सेमी सर्कल को तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, भाग तो रही है ना वो ग्राउंड के बाहर 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 बाहर। तो सर अगर आपको उसका पेरीमीटर देखना है कि उसको कितना भागना पड़ रहा है, तो सर उसको एक तरफ से 60, दूसरी तरफ से कितना, 60 प्लस जो याला एरिया है कोने 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 कोने, ये तो सरकमफेरेंस होता है। तो सर दो प्रकार के सरकमफेरेंस, 2 इंटू हाफ, आधा 2 पाई आर, समझ में आ रहा है। अरे 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफेरेंस। आप आधा क्यों ले रहे हो, इधर का आधा इधर का आधा, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो इसको भागना कितना है, 120 प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू बाहर का रेडियस कितना है, 15। तो P इज इक्वल टू 120, 30 इंटू 3.14 करोगे तो शायद 95 कुछ आ जाएगा, शायद 0.14 इंटू 3 इज, एक मिनट चेक करो, शायद 94.2 कुछ आएगा। तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 214.2 का डिस्टेंस कवर करना, कितने मिनट्स में, 20 मिनट्स में। अगर आपको आवर में कन्वर्ट करना हो तो आवर में कन्वर्ट करो, और अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 20 मिनट्स का मतलब कितने सेकंड्स, 20 इंटू कितना, 60। तो 214.2 मीटर इसका डिस्टेंस, अपॉन में आपने 20 मिनट्स था तो ये आपके पास क्या हो गया, टाइम। तो टाइम कितना हो गया, 20 इंटू 60, टाइम कितना हो गया, 20 इंटू। तो सर आप अगर 214.2 अपॉन में 1200 करोगे तो वो उसकी आ जाएगी स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला ही क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में कितना टाइम, डिस्टेंस अपॉन में कितना, तो स्पीड आ जाएगी आपकी मीटर पर सेकेंड। उमदा लेवल का क्वेश्चन, चेक करो समझो फिर जवाब।